हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन। ओके, जितनी भी आपने पीछे रिएक्शन पढ़ी है अब तक, उन सब में आपने देखा होगा कि बात हो रही थी बार बार कि ऑर्थो डायरेक्ट ऑर्थो पैरा पोजिशन पे होगी या फिर ऑर्थो पैरा पोजिशन पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है या मेटा पे क्यों नहीं होती रिएक्शन या एनओ टू का इफेक्ट क्या पड़ रहा है अगर एनओ टू अगर हम बेंजीन रिंग पे अटैच करते हैं, सी एच थ्री अगर मिथाइल ग्रुप अटैच करते हैं, प्लस आई प्लस माइनस इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस टॉपिक में वही सब पढ़ेंगे कि किस तरीके से किसी सब्सटिट्यूएंट की रिएक्टिविटी जो है वो क्या किस तरह से चेंज होती है और उस सब्सटिट्यूएंट का ओरिएंटेशन कैसा होता है कि उस हिसाब से उसकी रिएक्टिविटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटिट्यूएंट्स, कैसे कौन से सब्सटिट्यूएंट्स हैं जिनको एक रिएक्टेंट पे लगाने पर वो रिएक्टिविटी चेंज कर देते हैं या फिर उन सब्सटिट्यूएंट्स का रिएक्टेंट में ओरिएंटेशन किस तरीके का होगा जिससे हमारी रिएक्शन की रिएक्टिविटी अफेक्ट होगी। तो पहले तो उन सब्सटिट्यूएंट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी और उनके इफेक्ट को देखते हुए यहाँ पे हम उसे क्लासिफाई करेंगे सब्सटिट्यूएंट्स को कि कितने टाइप के यहाँ पे सब्सटिट्यूएंट होते हैं जो अलग अलग इफेक्ट दर्शाते हैं ओके रिएक्शन पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं हम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग या फिर आप इसे कह सकते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप या फिर हम इसे कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये क्या करते हैं, ऑर्थो पैरा पोजिशन को एक्टिवेट कर देते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, राइट? ओके, सो यहां पे कुछ ग्रुप है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल NH2 हो गया, NHR हो गया, इसके अलावा NR2, OH, OR, O minus, NHCOR, OCOR या फिर कोई alkyl group। ठीक है, अगर ये सभी किसी बेंजीन पे लगे हुए हो, ये मान लो कि हमारे क्या है, ये मान लो हमारे कोई ग्रुप है। ठीक है, ये बेंजीन पे लगे हुए हो तो ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये सारे जो ग्रुप अगर है बेंजीन पे तो हम कहेंगे कि ये ग्रुप क्या करते हैं, ये बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजिशन को रिएक्शन के लिए एक्टिवेट कर देते हैं। ये लगे हुए हैं तो बेंजीन पर जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह या फिर उनकी जो पैरा पोजिशन और मेटा पोजिशन पैरा और ऑर्थो पोजिशन होती है वो बिल्कुल एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ पे आसानी से बेंजीन पर रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, आसानी से बेंजीन पर रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है। अब इन सारे ग्रुप्स का जो है वो ज्यादातर इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, या तो प्लस आई होना चाहिए या फिर प्लस एम होना चाहिए इनका इफेक्ट। ठीक है, और इन दोनों के अलावा एक इफेक्ट और है माइनस आई एंड प्लस एम। ठीक है, ये दोनों इफेक्ट किसी ग्रुप के अगर एक साथ है तो वो भी क्या होते हैं, वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं।
बाकी जो प्लस आई रखते हैं वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और जो प्लस एम रखते हैं वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन को वो एक्टिवेट कर देते हैं रिएक्शन के लिए। और एक्टिवेट करने का सिंपल सा मतलब है, ऐसा नहीं है कि ये ही ग्रुप है जो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे रिएक्शन दिलवा सकते हैं, दूसरे भी है जिनको हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। उसका रीजन है कि वहां पे रिएक्शन हो तो जाती है पर बहुत मुश्किल से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये है हमारे एक्टिवेटिंग ग्रुप जो बहुत इजीली हमें ऑर्थो पैरा पोजिशन पे रिएक्शन दिलवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब ये जो मैंने एक कंडीशन कही है ना कि कोई ऐसा ग्रुप हो जिसका जो दो इफेक्ट एक साथ दर्शाता हो, माइनस आई भी दर्शाता हो और प्लस एम भी दर्शाता हो, वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। हाँ, पर उसकी एक कंडीशन है कि ये जो दोनों उसके इफेक्ट होंगे उनमें से प्लस एम इफेक्ट प्लस माइनस आई से ज्यादा स्ट्रांग होगा, तभी वो ऑर्थो पैरा जो है वो डायरेक्टिंग इफेक्ट दर्शाएगा। अगर यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट प्लस एम से स्ट्रांग हो गया तो ये फिर नहीं दर्शाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट नहीं दर्शाएगा। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट पॉइंट कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग किस तरह से हम देखते हैं। सेकेंड, यहाँ पे देखेंगे हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जैसे मैंने कहा होता तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन वो क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, क्लियर है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ऐसे देखते हैं उन्हें। यहाँ पे जो आपके हेलोजन्स है, F हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है, ये सारे जो ग्रुप्स है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते तो है बट ये क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी कि ये दे तो देंगे पर बहुत मुश्किल से देंगे, ठीक है। इनका रीजन क्या है इसके पीछे का, इसका रीजन है कि इनका जो इफेक्ट होता है ये दोनों दर्शाते हैं, ये भी क्या होते हैं, माइनस आई भी दर्शाते हैं और प्लस एम भी दर्शाते हैं, पर यहाँ पे रीजन क्या होता है कि ये माइनस आई इफेक्ट बहुत ही ज्यादा दर्शाते हैं, माइनस आई इफेक्ट इनका स्ट्रॉन्ग होता है प्लस एम से, जिस वजह से इनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो स्लो होती है। लिख लो, आपको याद रहे इसके लिए क्या होता है इनमें, इस वजह से क्या होती है, अगर बेंजीन पर ये ग्रुप लगे हुए हो एफ सी एल बी आर आई, तो यहाँ पे उस केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो स्लो होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो स्लो होती है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप देख लिया हमने, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप देख लिए, अब देखते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो कि डीएक्टिवेटिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ओके। कौन कौन से होते हैं ये ग्रुप, फॉर एग्जांपल देखो, ये होते हैं आपके NR3+, ये CH3, X यहाँ पे क्या है, हेलोजन है, CF3, CCl3, CBr2, CBr3, CH3, ठीक है। तो वो है यहाँ पे, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप, सॉरी कीटो ग्रुप, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये आपका साइनाइड हो गया, SO2 हो गया, NO2 हो गया, NO2 तो हमने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है, NO2 हो गया, इसके अलावा जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ये भी मेटा डायरेक्टिंग होता है, ध्यान रखना, ये COOR होता है, ये भी मेटा डायरेक्टिंग होता है और साथ ही डीएक्टिवेटिंग भी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो
एसओ थ्री आर के सॉरी एसओ टू ओ एच ये हो गया, ठीक है। ये सारे ग्रुप क्या है, ये सारे मेटा डायरेक्टिंग है, ओके। ये सारे मेटा डायरेक्टिंग है। अगर यहाँ पे बेंजीन में आपके ये ग्रुप लग गए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो अटैक होगा वो कहाँ होगा, मेटा पोजीशन पे होगा। क्लियर है इतना, ठीक है, ओके। डीएक्टिवेटिंग भी है और इजीली भी नहीं होगा, बट होगा तो किस पे होगा, मेटा पोजीशन पे होगा, क्योंकि इनका जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ये जो दर्शाते हैं वो कैसा होता है, या तो ये माइनस आई इफेक्ट दर्शाते हैं सारे के सारे, या फिर ये माइनस एम इफेक्ट दर्शाते हैं, ठीक है। या तो क्या दर्शाते हैं, माइनस आई इफेक्ट दर्शाते हैं, या फिर ये माइनस एम इफेक्ट दर्शाते हैं, राइट। तो ये थे तीन तरह के, हमने क्लासिफिकेशन कर लिया यहाँ पे, तीन तरह के ग्रुप यहाँ पे हम देखे, ठीक है। अब देखो एक टेबल दी हुई होगी आपकी बुक में, आपको वो टेबल से याद रखना है ताकि कहीं पे भी क्वेश्चन में आए तो एकदम से दिमाग में आपके आ जाए कि ये ग्रुप लगा हुआ है तो अब इसकी रिएक्शन कैसी होगी, वो आपको पता चल जाए जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे वो टेबल बना लेते हैं हम भी। ओके, राइट। ये यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। यहाँ पे सिर्फ वो ग्रुप लिखेंगे जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, और इधर आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे मेटा डायरेक्टिंग। इधर आप लिखेंगे मेटा डायरेक्टिंग, राइट। फिर सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब उनमें भी कैटेगरी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, फिर जो है मीडियम एक्टिवेटिंग ग्रुप, फिर जो है आपके जो है वो स्लो लेस एक्टिवेटिंग ग्रुप, या फिर क्या कहते हैं उसको लीस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, या फिर वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप, और लास्ट में जो है वो आपके आएंगे वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ओके। तो यहाँ पे ये है आपके स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, उसके बाद जो है वो यहाँ पे आएंगे मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। यहां से आपको पता क्या लगेगा, यहां से पता ये लग जाएगा कि एक्टिवेटिंग ग्रुप कितने टाइप के हैं और वो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, क्योंकि एक बात हमारे जो हम अब तक पढ़ते आए उससे हमारे दिमाग में ऐसे नॉर्मली फिट हो जाता है कि एक्टिवेटिंग कहाँ है मतलब कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और वीक एक्टिवेटिंग होगा मतलब कि ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, ऐसा नहीं होता है हर बार, ठीक है। और एक्टिवेटिंग का ही मतलब जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है यहाँ पे, इसीलिए इस टेबल की नीड पड़ी है हमें देखने के लिए, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो ग्रुप्स को लेके कि कौन एक्टिवेटिंग है, कौन डीएक्टिवेटिंग है, कौन वीक एक्टिवेटिंग है, कौन जो है मॉडरेट है, कौन जो है लीस्ट या वीक है, स्ट्रांग है, और उस बेसिस पे वो किस तरह की डायरेक्शन दे रहे हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। तो वो सारा जो है आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, तो इसे समझना जरूरी है।
जो अब तक हमने पढ़े हैं ना, उनको बस आप एक कैटेगरी दे रहे हैं अलग से, ये NH2, NHR, NR2, OH, माइनस, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे ये तो हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग कौन होगा? मेटा डायरेक्टिंग यहाँ पे होगा जो कि मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, याद रखना मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, SO3H। इसके बाद C2H, ये सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग है। ओके, हम पढ़े हैं वैसे तो, पर अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, इन सबको साथ में पढ़ा था, देखना आगे। पर अब यहाँ पे हमने दोनों की कैटेगरी जो है वो अलग अलग कर दी है, ये ठीक है। अब यहां पे देखते हैं नेक्स्ट हमारा होगा मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग, ये याद रखना है, आपको एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हैं जो ऑर्थोपैरा दृष्टिकारी होते हैं या डायरेक्टिंग होते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है, इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। ये हो गए आपके मॉडरेट लाइन पे जाना मत, ठीक है, उल्टी सीधी खींच रही है लाइनें। ओके, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे वो कौन से होंगे देखते हैं। ये NO2 हो गया, ये NR3 हो गया, प्लस ये CF3 हो गया और ये CCl3 हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है इसका यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में जो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ये सारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप। वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं? तो वो होते हैं CH3, ये वीक होते हैं ध्यान रखना, C2H5, C3H7, C4H9, H9 है इसको, H9 लिख लेना, C4H9 और ये फिनाइल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, लास्ट यहां पे बचता है ओके, लिख लो यहाँ पे ऐसे ही, फाइन। थोड़ा सा
वी डी एक्टिविटी को। राइट, ध्यान रखना ये क्या है आपके वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये क्या है वीक डी एक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन कौन से जो हमने हेलोजन पढ़े थे वो सारे के सारे आपके वीक डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। समझ गए? ये क्लियर है? ओके, तो यहां पे ये आपका कंप्लीट होता है पूरा कि एक्टिवेटिंग कौन होगा, डीएक्टिवेटिंग कौन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान रखना। अगर इनमें गड़बड़ होती है, अभी तो आपको कुछ ज्यादा समझ, आगे जब रिएक्शन करेंगे ना और एग्जाम में जब रिएक्शन आएगी तो क्या होता है, आप कितना भी रट लो आपको कुछ ना कुछ भूल ही जाता है ना। पर अगर आपने चीजें समझी हुई है, आपको सब पता है अच्छे से कि किसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आपको सब पता है कि कौन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा, कौन आएगा, कहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है, वो सब आपको पता होगा। तो आपको चाहे बुक से उठा के दे, बुक से बाहर उठा के दे एग्जाम्पल, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, अगर आपने सही से समझ रखी है चीजें और सही से आपको ये सारे पता है। तो याद रखना ये टेबल यूं ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम पूरे एक्सप्लेन करेंगे कि किस किस तरह से जो है वो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस दिखाते हैं ये ग्रुप। ओके, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? राइट, थैंक यू। अभी तक इस क्लास में इतना ही है।